हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टेजर बॉय और आज की पहली अपडेट हमारी हसीब से रिलेटेड है। तो रिसेंटली उनकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में वो अपनी इंस्टा पे शेयर करते हुए कहे कि ब्लेस विद अ न्यू लाइफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। हमारी अगली अपडेट तैमूर सलाहुद्दीन के बारे में है। तो रिसेंटली तैमूर से किसी ने इंस्टा पे Q&A के दौरान पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट योर न्यू वेब सीरीज, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा। तकरीबन 6 महीने हो गए वेब सीरीज़ को लिखते हुए, 117 पेजेस हैं इस वक्त हमारे पास। दानियाल राहील और बसाम शाजली के साथ हम मिलकर लिख रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है लिखने का, इंशाल्लाह कमिंग सून। और इसके अलावा उनके न्यू म्यूजिक के रिलेटेड भी किसी ने पूछा, जिस पे उन्होंने ये रिप्लाई दिया। आ रहे जल्दी आ रहे और बहुत सा आएगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले नोमी के बारे में। तो रिसेंटली नोमी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वो अपनी लाइव स्ट्रीम के बारे में बता रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, एंड नाउ उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको काफ़ी और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है अभी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। एंड इसी के बारे में बताते उन्होंने ये कहा कि वो फ्यूचर में इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम ज़रूर ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ वो बाकी गेम्स वगैरह को एक्सप्लोर और खेलना चाहते हैं। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं फादी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि फादी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो बेसिक बार जो कि अल्फाबेटिक रैप होगा उर्दू में, वो करने वाले हैं, और ये पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाला था। बट शायद फादी ऐसा पहला शख्स नहीं, बिकॉज इससे पहले हसन बिन शाहीन ने पेप्सी रैप बैटल के लिए भी एक अल्फाबेटिकल रैप किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप वो सुन लेना। और उसके अलावा फादी के पोस्टर रिलीज होने के बाद अली जी ने भी अपना एक अल्फाबेटिकल रैप निकाला है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप दोनों ट्रैक जो कि हसन और अली का है, आप दोनों सुन के ट्रैक डिसाइड कर लेना। एंड इसके अलावा फादी का अभी तक ट्रैक नहीं आया। फादी ने अपनी इंस्टाग्राम से ये वाली पोस्ट भी डिलीट कर दी है, जहां उन्होंने पोस्टर अनाउंस किया था कि वो अल्फाबेटिक रैप करने वाले हैं। अब फादी का ट्रैक आएगा, देन कंपैरिजन करके आप लोग खुद डिसाइड करना कि कौन सा ट्रैक बेटर था, और फिर आप लोगों ने ही डिसाइड करना कि भाई हिस्ट्री किसने क्रिएट की है। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हसन भाई आते हैं, उसके बाद अली जी, और थर्ड नंबर पर फादी। बट अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो फादी जब रिलीज करेगा देन ही कंपैरिजन किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। वेल, आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अब्बा वालो गैंग AKA आसिफ बली और इसके अलावा तैमूर बेग के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि इनके बीच कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, काफी ज्यादा स्टोरी टू स्टोरी एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। एंड फाइनली आसिफ अली ने एक डिस ट्रैक भी निकाल दिया, जिसका नेम है लाल बेगम, और इस डिस ट्रैक की बीट जो है काके 1000 म्यूजिक ने बनाई है। तो अगर आप लोगों ने ये डिस ट्रैक सुनना हो तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस पर रिएक्ट करते हुए तैमूर बेग ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की, जिसपे उन्होंने कहा कि कंग्रेचुलेशंस ब्रो, काफी दिनों बाद तेरा एजेंट सांस लेगा, जो पैसे आएंगे उसकी गली साफ करवा लियो, ना फैक्ट देने आते हैं और ना ही बार स्पिट करने आते हैं, एक काम करते हो BSG के बोलकर गाने बना लेता हूँ, फेमस हो जाऊंगा, 5K का वर्स भेजने की बातें वो करें जिन्होंने कभी 5000 एक साथ देखे भी नहीं है। और इस डिस ट्रैक के बारे में बताते हुए अब्बा वालो गैंग ने कहा कि तैमूर बेग के लिए फिलहाल हाथ हल्का रखा है, अब्बा वालो ने नेक्स्ट सीन हुआ तो फाड़ देंगे, # अब्बा वालो गैंग। सो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, और आपने अगर डिस ट्रैक सुना तो मुझे कमेंट्स में बताना कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा, लेट नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले उमेर म्यूजिक के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी एल्बम के बारे में बताते हुए कहा, हे गाइस, आई वाज गोना रिलीज 2 एल्बम दिस ईयर, हियर देम टॉक एंड द वन विद तलहा अंजुम, आई हैव प्लान्ड दैट आई विल ड्रॉप माय एल्बम हियर देम टॉक एज सिंगर्स, बट दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ द एल्बम एनीमोर, एवरी सिंगल विल बी अ सेपरेट स्टोरी, I have put effort in every single and it better suits the release to be individual. You will understand properly when you listen to the songs individually as they are each a distinct piece of art. I am planning on releasing the single every week again as autonomous projects each. Instead, तलहा अंजुम's album will be my only album releasing this year. So yeah, शायद उनके दोनों album इस साल आ जाए, या फिर सिर्फ तलहा अंजुम वाली album Hear Them Talk वो इस साल आ सकती है। So let's see के कब तक क्या drop करते हैं, वो भी मैं next video के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए चीजों ने बता दी कि तलहा अंजुम इनकी एल्बम में अब शामिल नहीं होंगे, एंड उनके ट्रैक जो है वो इंडिविजुअली आएंगे। सो लेट्स सी कि इनके ट्रैक कैसे होते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट मिलेगी वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो इसी के साथ हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली अपडेट भी उमेर म्यूजिक से रिलेटेड है। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा पे अनुराग खालिद और शारिया अख्तर के अपकमिंग ट्रैक विविड का एक आर्टवर्क शेयर करते हुए कहा कि 28 मई 2022, सो 28 मई को आपको ये ट्रैक भी सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हाशिम नवाज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हाशिम नवाज का एक ट्रैक सजदा एक आ चुका है, एंड इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली
एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सजदा 2, और इसको फिर इंस्टा पे भी रीशेयर करते हुए कहा कि ए जो इंक हार्ट म्यूजिक पुट सम सॉस ऑन इट, और इसको फिर इंक हार्ट ने भी रीशेयर किया। सो इट मींस कि आपको सजदा 2 भी जल्दी सुनने को मिल सकता है, लेट्स सी कब तक आता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं जैन के बारे में। तो रिसेंटली जैन म्यूजिक ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने फ्यूरी रैप स्टार्स को टैग करते हुए कहा कि स्केयर फेस, यानी कि इनका भी अपकमिंग ट्रैक जो कि जैन के बीट पे होगा फ्यूरी रैप स्टार्स का, और ट्रैक का नेम होगा स्केयर फेस। तो लेट्स सी ये ट्रैक भी कब आता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हमजी के बारे में। तो हमजी भी रिसेंटली अपनी इंस्टा पे इंटरस्टेलर के बारे में बताते हुए कहे कि सेकंड ट्रैक फ्रॉम इंटरस्टेलर विल बी आउट इन 3 डेज, यू ऑल हैव टू फील द ट्रैक टू द कोर। सो उनका भी 2-3 दिनों में न्यू ट्रैक आ जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले यंगस्टर्स के न्यू ट्रैक आजमाले के बारे में जिनमें उनके साथ फीचर्ड है कश्मीर बैंड से बिलाल अली। सो इस ट्रैक को सुनने के बाद कुछ मुझे इस ट्रैक की बीट या फिर कह लो के सैंपल मुझे थोड़े सिमिलर लगे NF के ट्रैक्स डिसर्ट से। आपको मैं दोनों ट्रैक के छोटे छोटे पार्ट जो कि सिमिलर है वो प्ले करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पे सैंपल सेम यूज हुआ है या फिर ये कॉपी हुआ है। सो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि एग्जैक्टली में क्या सीन है इस ट्रैक के साथ एंड इस म्यूजिक के साथ। तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना, मैं आपको आगे प्ले करके दिखा देता हूँ। बातें मुख्तसर। Hey Nate, how's life? I don't know. दोस्तों आपने दोनों ट्रैक के पार्ट सुन लिए एंड म्यूजिक तो काफी हद तक सिमिलर है। अब यहाँ पे सैंपल्स की बात आती है या फिर वैसे इंस्पायर्ड होकर या फिर कॉपी, आपको क्या लगता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइस, इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ न्यू सॉन्ग्स अपडेट्स की तरफ। तो इट्स नफा का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है ख्याल, और इसके अलावा उबैद का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है जिंदगी, और इसके अलावा गाइस एंड टाउन कोर से भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है इख्तिताम। इस ट्रैक में डॉक्टर ई के साथ फीचर्ड है मुदस्सिर हसन। सो अगर आप लोगों ने ये सारे ट्रैक सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर ये ट्रैक सुन लेना। एंड यस गाइस, आप पे सारा ओपिनियन डिपेंड करता, सो मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना बिकॉज योर ओपिनियन रियली मैटर्स। एंड अ बिग शाउट आउट टू मो खान AKA मुहाजिर ऑन द माइक, एंड गाइस गो एंड सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल, उनका भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाकर ये ट्रैक भी जरूर सुनना, काफी डॉप वर्क लड़के ने किया है। एंड यस गाइस, आज के बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ख्याल रखना अपना, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए भाई को इजाजत दे, आई एम आउट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।